बालाघाट के लामता में इंसानी बसाहट के बीच बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ के लोग दहशत में फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर हैं। पिछले एक सप्ताह में बंदरों के काटने से 9 लोग घायल हो चुके हैं। बकायदा बंदरों के आतंक से राहत पाने वन विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन अभी दहशत बरकरार है। हैरानी की बात यह है कि लामता अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन न होने से पीड़ितों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। लामता मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 और 14 में महीनों से बंदरों का आतंक बना हुआ है और अब बंदर इंसानों पर हमलावर हो रहे हैं। बंदरों के काटने से अब तक 9 लोग जख्मी हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग घरों से बाहर निकलने पर भी कतरा रहे हैं, ना जाने बंदर कब कहां से हमला कर दें। बढ़ती घटनाओं से सहमे वार्ड के लोगों ने वन विभाग से गुहार लगाई, जिसके बाद वन अमला ग्रामीणों की मदद से इनका रेस्क्यू कर खदेड़ने में जुट गए हैं। वन विभाग लगातार इलाके में नजर गड़ाए हुए हैं, जिसको लेकर रोजाना क्षेत्र में गश्त भी की जा रही है। मेरा नाम चित्रेखा बोलते है। अच्छा, कैसे, क्या घटना हुई बंदर चाबने वाले? ये कपड़े सुखाने छत पे गई थी तो वो कपड़े भी नहीं सुखा पाई थी और वो बंदर आके एकदम से एक हाथ से पकड़े रहा और पूरा दांत से पूरा मांस निकाल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वो स्लेब के उस तरफ नहीं गिरी, थोड़े से किले बची, नहीं तो वो उसके साथ वो हाथ पैर टूटते या फिर वो जान भी जा सकती थी। अच्छा, आदमपुर बंदर है कि प्रतिदिन आता है या फिर ये सप्ताह में कभी का आता है? नहीं, ये डेली आता है। अच्छा, कितने लोगों को घायल किया होगा? ये 8 से 9 लोग हो गए। अच्छा, अभी तो हाका कर रहे हैं। हाँ, तो इसका इलाज कहाँ पे हुआ? इलाज तो क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई यानी व्यवस्था है ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि भी नहीं है और वो क्या बोलते हैं इंजेक्शन का भी वो वाला लग रहा है रेबीज वाला, छूटने वाला भी उतना ये नहीं है और 2-3 दिन में ही उसका पूरा पस बन चुका था। आज 20-21 दिन हो गए उसके घाव को। अच्छा, उसके बाद 8-10 लोगों को और चाबा है? हाँ, 8-10 लोग को हो गया यानी काटा है तो कहना चाहिए। अच्छा, तो अभी इलाज कहाँ कर रहे हैं? इलाज अभी वो क्या है यहाँ से प्राइवेट से कर रहे हैं। क्या स्टाफ के साथ हम लोग निरंतर गश्ती कर रहे हैं और गाँव वालों को नंबर दे दिए कि जब भी किसी बंदर की सूचना मिले तुरंत वन विभाग को सूचित करें, वन विभाग तुरंत मौके पर पहुंचकर बंदरों को भगाने का प्रयास करें। आज आप हाका कर रहे हैं तो क्या पोजीशन है? आज हाका करने से बंदर भाग तो रहे हैं लेकिन देखने में समझ में आ रहा है कि बंदर बहुत ही अग्रेसिव है। उसमें से एक झुंड का जो मुखिया बंदर दिख रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रशासन से SDM साहब से उसको पकड़ने या मारने के लिए अनुमति के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि पहले ही 6-7 लोगों को बंदर घायल कर चुका है और अगर हम लोगों के प्रयास ना काफी रहेंगे तो श्रीमान SDM महोदय से बंदर को मारने की अनुमति का प्रयास करें। अच्छा, आप इनको भगा पाएंगे नहीं भगा पाएंगे? अब प्रयास तो कर रहे हैं, अगर लगातार डिस्टर्ब किया जाए तो हो सकता है जानवर स्वतः से भाग जाए। बालाघाट में आए दिन बंदरों के उत्पाद से बर्बाद होती फसल के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग का अमला भी राहत दिलाने के नाम पर औपचारिक कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल, इन बंदरों की वजह से कोई बड़ी अनहोनी हो इससे पहले वन विभाग को इन बंदरों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। बालाघाट से पंजाब केसरी TV के लिए हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।